यूपी पुलिस वास्तव में हाईटेक हो रही है, नए नए आर्म्स आ रहे हैं, नए नए स्पोर्ट्स आ रहे हैं और नई नई चीज़ें उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में शामिल हो रही हैं। हम आज आपको दिखाएंगे कानपुर में जो यूपी पुलिस का हॉर्स राइडिंग क्लब है उसको दिखाएंगे। ये हॉर्स राइडिंग क्लब, जैसा कि ये बोर्ड बना हुआ है यहाँ पर, इसके गेट के बाहर एक बोर्ड लगा है, हॉर्स राइडिंग स्कूल का जीर्णोद्धार हुआ था, सीनियर आईएएस हैं राजशेखर जी, उन्होंने किया था और ये 2 दिसंबर 2021 को हुआ था। यहाँ पर उस समय कमिश्नरेट लागू हुआ था और पहले कमिश्नर असीम अरोड़ साहब थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये तो जीर्णोद्धार की बात मैंने आपको बताई, इसके पहले इसका उद्घाटन 2/11/1999 में हुआ था, जिस समय यहाँ पर सीओ ट्रैफिक अरुण कुमार दीक्षित थे, सुनील कुमार सक्सेना साहब पुलिस अधीक्षक यातायात थे और सुतापा सान्याल उस समय यहाँ पर कप्तान हुआ करती थी। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इस राइडिंग क्लब में जीर्णोद्धार के बाद क्या स्थितियाँ, यानी जीर्णोद्धार को हुए अभी कोई 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन देखिए इस हॉर्स राइडिंग क्लब का उद्देश्य था कि यहाँ पर पुलिस कर्मियों को हॉर्स राइडिंग सिखाना, वहाँ उनके परिवार वालों को हॉर्स राइडिंग सिखाना और बाहर से लोगों को बुला करके जो कानपुर के लोग हैं, कानपुराइट्स हैं, उनको हॉर्स राइडिंग में ट्रेंड करना। लेकिन समय बीतता गया, यानी कि 3 साल भी नहीं हुआ है, इस ग्राउंड की हालत आप देख सकते हैं पूरी तरह टूटा पड़ा हुआ है और जो हॉर्स के हर्डल्स होते हैं, घोड़े जिसके ऊपर से उछल के पार करते हैं, वो पूरी तरह टूट गया है। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बच्चे इस छोटे से ग्राउंड में, यानी हॉर्स राइडिंग क्लब के इस ग्राउंड को फुटबॉल ग्राउंड बनाए हुए थे, यहाँ ना तो सुरक्षा की कोई व्यवस्था है। हालांकि बच्चों का ये कहना है कि यहाँ कभी कभी घोड़े आते हैं और घोड़े यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि घोड़े यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ये ग्राउंड पूरी तरह देखिए ध्वस्त हो चुका है, गंदगी पड़ी हुई है और कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। दैनिक जागरण, आईनेक्स्ट के लिए सुधीर मिश्रा, फोटो जर्नलिस्ट प्रांजल साहू के साथ।